देश के सबसे बड़े सूबे कहे जाने वाले, जनसंख्या के हिसाब से माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एक इतने बड़े पुलिस बल का मुखिया होने के नाते और इतने बड़े प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस नई चुनौती को मिलने के बाद, इस नए पद को संभालने के बाद, आप क्या मानते हैं कि आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या होगा? देखिए, किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए और मेरे लिए प्राथमिकता का बिंदु तो यही है कि सुरक्षा, अमन चैन, इसकी स्थिति ऐसी हो कि नागरिक अपराध से भयभीत ना हो, अपराधी पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई से या तो अपराध छोड़ें या स्थान छोड़ें अपना, और एक आम जन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनके कार्यकर्ताओं में, उनके मालिकों में, उनके वर्कर्स में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है स्टेट का रियलाइज हो सके, ताकि जो एक आम नागरिक का पोटेंशियल है अपना समाज में स्थान पाने का वो पा सके, जो एक बच्चे और महिलाएं जो आज की तारीख में आगे बढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कोचिंग्स में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अपना पूरा पोटेंशियल पा सकें निर्भय होकर, ऐसी व्यवस्था पुलिस की चौकस हम बना सकें, ये हमारी सबसे बड़ी प्रयास। सर, इतना बड़ा प्रदेश है, आज का जो परिदृश्य है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, आपके समझ में, काफी लंबे वक्त से देख भी रहे हैं इन सब चीजों को, सबसे बड़ी चुनौती आप किस चीज को मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे दृष्टिकोण से जो अपराध और कानून व्यवस्था के एंगल से कहा जाए, जो पुलिस का एंगल कहना चाहिए, वो मल्टीफोल्ड मल्टीफेरियस है। तमाम सारे अपराधी बाहर निकल आ रहे हैं दंड पा करके, जो बेल पा करके, या जिसे कहना चाहिए अपना जो सेंटेंस का पीरियड है उसको पूरा करके, और वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर के जहां उनको कोई पहचान नहीं रहा है, जहां उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं अवेलेबल है, वहां पे कोई अपराध कर दे रहे हैं। क्योंकि जैसे संचार के साधन बढ़े हैं वैसे वैसे अपराधियों का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। पहले रीजनल अपराधी हुआ करते थे, उसी जिले के लोग उसी में अपराध करते थे, पकड़े जाते थे, पुलिस को पता रहता था। आज की तारीख में अपराधी महाराष्ट्र का अपराधी आके हमारे यहाँ कर रहा है, हमारा अपराधी जाकर के कहीं और कर रहा है, तो वो जो कहना चाहिए हम निगरानी कर सकते हैं अपराधियों पे, उसकी एक समस्या हमारे लिए पैदा हो रही है। अपराध नियंत्रण के काम में जो अपराधियों का इंटर स्टेट मूवमेंट इतना ज्यादा हो गया है, उससे हमको दिक्कत आ रही है थोड़ी। हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक चैलेंज है। जहां तक शांति व्यवस्था का बिंदु है, छोटी छोटी बातों पर एजिटेशन हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लोग सड़क पर निकल आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे फोर्स को नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है वो करने के जगह फायर फाइटिंग का एक एस्पेक्ट पैदा हो जा रहा है। इससे दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि अगर हम कोई व्यवस्था कंटिन्यूअस बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो वो उतने दिन हम लगातार चला नहीं पा रहे हैं। इसका सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ना जानना चाह रहा था। हाँ, सर, कि आपने इस समस्या का जिक्र किया है जी, तो आपकी नजर में सोल्यूशन उसका ये है कि हम सब लोग अभी तक बहुत बड़ी फोर्स की कमी से दो चार थे, बहुत वैकेंसीज थी हमारे यहाँ, लेकिन इधर पिछले दो ढाई वर्षों से भारी संख्या में प्रमोशंस हुए हैं। इनफैक्ट हजारों की तादाद में सब इंस्पेक्टर्स से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स से उसके हायर लेवल पे यानी डिप्टी एसपी के लेवल पे, हर रैंक सिपाही से हेड कांस्टेबल के प्रमोशंस हुए हैं। और सिपाही के स्तर पर जो एंट्री लेवल है या सब इंस्पेक्टर का लेवल जो है उसमें तमाम सारी भर्तियां हुई हैं। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली 60,000 से ज्यादा पदों पर रिजल्ट्स आए हैं। जो एक पेरिनियल प्रॉब्लम कई सालों से प्रदेश में रही कि फोर्स कम है, फोर्स की कमी है, थानों में फोर्स नहीं है, वो इन सब प्रोएक्टिव एक्शंस से, गवर्नमेंट के इन सभी डिसीजंस से अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास फोर्स इंक्रीज हो गया है। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमारी हैंडीकैप हुआ करती थी वो अब हमारी स्ट्रेंथ बनने जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आदमी हमारे थानों पर होंगे, ज्यादा से ज्यादा आदमी हमारी सड़कों पर होंगे, तो वो जो हम कह रहे हैं कि आदमी सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करेगा, वो स्थिति अब फलीभूत होने के करीब है। इसमें समय लग सकता है थोड़ा बहुत और भी, लेकिन अब ये लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग से आते हैं तब हम उनका डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये चुनौती जो है ये हम पूरी इस तरह कर लेंगे कि हमारे पास एक तो आदमी हो जाएंगे, दूसरी चीज साइड बाई साइड पुलिस मॉडर्नाइजेशन हमारा हो रहा है। अगर आपको आइडिया हो तो एक सीसीटीएनएस स्कीम है हमारी, जिसमें अपराधी का पूरा विवरण, अपराध का पूरा विवरण, तफ्तीश का पूरा विवरण कंप्यूटराइज होता चला जा रहा है, और केवल इस प्रदेश के स्तर पर नहीं राष्ट्र के स्तर पर हो रहा है। तो ये जो समस्या है कि यहाँ अपराध किया और कहीं भाग गए, ये भी बहुत जल्दी पुरानी बात होने वाली है। हमारा जो नेटवर्क है सीसीटीएनएस का वो इस चीज को एड्रेस कर रहा है। तो जो चीज मैं आपसे आशान्वित होने वाली कह रहा था उससे मैं आशान्वित इसलिए हूँ कि ये जो डेवलपमेंट्स मैंने आपसे दो खास तौर पे गिनाए हैं
और जो ट्रेनिंग की कैपेबिलिटीज हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज हम लोग बढ़ा रहे हैं, तमाम सारी लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम स्टेट में। इनफैक्ट हर रेंज हेडक्वार्टर पे 18 जगहों पर हम फोरेंसिक लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मेगा लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिनमें डीएनए वगैरह की टेस्टिंग की भी फैसिलिटी होगी, और ये जल्दी ही मुझे आशा है कि कुछ ही वर्षों में ये सारी चीजें फंक्शनल हो जाएंगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो पहले मैंने आपको अपनी चुनौती बताई वो पूरी पूरी एड्रेस हो जाएगी और हम प्रोफेशनली उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे कोई भी आधुनिक पुलिस बल काम कर रहा है दुनिया में। सर, कुछ ही महीने पहले अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस हुई थी यहाँ पर, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पुलिस के प्रति जनता के मन में सम्मान होना चाहिए। आपने अभी एक बात कही कि जिस तरीके से जनता बात बात पर उत्तेजित होकर के सड़कों पर आ जाती है, दोनों ही चीजें एक तरीके से विरोधाभासी हो जाती हैं। सम्मान में कमी आ रही है और जनता बार बार निकल करके सामने आ रही है। पुलिस के मुखिया के तौर पर आप जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से छोटे मामलों में सार्वजनिक तौर पर या पुलिसिंग के में बाधा बनने का प्रयास न हो, सामान्य व्यक्ति के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा इस बारे में यह सोचना है, मानना है कि जो सूचना का अभाव है, जो अफवाहों का बाजार है, ये दोनों जुड़े हुए हैं उत्तेजना के पीछे। तो अगर हम ये जो सोशल मीडिया को देखें आप, या जो इमीडिएटली प्रोवोकेटिव चीजें, वीडियोस वायरल हो जा रहे हैं उनको देखें, तो हम पाते ये हैं कि जनता में जो ये एकदम से उत्तेजना उबाल सा आ जाता है भावनाओं में, ये इस कारण भी आ रहा है कि तमाम सारे जो नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव है, ये मैं उस पर पूछने भी वाला था, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ, इसको अनरेगुलेटेड होना, इसमें कुछ गाइडलाइंस ना होना, जब कोई चीज काफी फैल जाए तब हम उसको रोक पा सकें, यानी उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो ना पाना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स ना बने होना, ज्यादातर सोशल मीडिया साइट्स का विदेशों में बेस होना, ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से वो सिचुएशन बिगड़ती है कभी कभी, जब हम देखते हैं कि कोई चीज ऐसी वायरल हो जाती है जो कि सत्य से परे है। इसके कई दृष्टांत हैं, जब भारत से बाहर के वीडियोज ऐसे वायरल किए गए ये दिखाते हुए कि साहब ये भारत में ही ये घटना हुई है, मुझे एक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले आपके भी संज्ञान में हैं, हमारे भी संज्ञान में हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आजकल जो फास्ट मीडिया है, खासतौर पर सोशल मीडिया, उस पर बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी फैल जाती हैं और शरारती तत्व जो है उसका लाभ उठाते हैं, तो वो एक तरह की दहशत क्रिएट कर देते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि साहब ये आम आदमी को आपका क्या कहना है, तो हमारा आम आदमी को यही कहना है कि हर चीज जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो बिना सत्यापित किए उस पर विश्वास करने से ही समस्या पैदा हो रही है। तमाम तरह की चीजें आ रही हैं जिस पे लोग उत्तेजना से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो एक पहला तो एक बड़ा भारी कारण ये भी है, और दूसरा कारण जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि भारत प्रगति के रास्ते पर है, आदमी बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको तलाशने के लिए, अब जैसे बच्चे ही हैं, एग्जाम्स को आप ले लें, नौकरी का ऐसा ट्रेंड है कि एक छोटे से भी जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है। तो जब ये होता है तो कहीं भी सर्विसेज में अगर अभाव होता है, रेलवे स्टेशन पे कोई असुविधा होती है, बसों में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई असुविधा होती है, एग्जाम सेंटर पे कोई असुविधा होती है, या कोई प्लानिंग में कमी रह जाती है, तो एकदम से उत्तेजना फैल जाती है, बहुत सारे लोग सड़क पे उतर आते हैं, एजिटेट हो जाते हैं। तो ये भी पहले नौकरियों में इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ करते थे, इतने ज्यादा लोग बाजार में नहीं थे, पर जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ बढ़ा है वैसे वैसे हर चीज के लिए ज्यादा लोग दावेदार होते जा रहे हैं। तो एक ये भी कारण मैं समझता हूँ, ऐसे कई सारे और कारण भी होंगे जिनकी वजह से छोटी सी चीज पर एजिटेशन हो जाता है या मिसगिविंग हो जाती है लोगों के बीच में। सर, ऐसे तत्व जो साजिशन ये काम करते हैं, जिनका इरादा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का है, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का है और उसके बहाने कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का है, ऐसे लोगों पर किस तरीके से लगाम लगाने की आपकी योजना है? ये सीधी सी बात है कि कानूनी प्राविधान है जिनके तहत हम कार्रवाई करते हैं। हाल में हमने देखा सर कि 9 नवंबर के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और जो उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़की सीएए को लेकर के, उस दौरान भी ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की गई बड़े पैमाने पर, और ये अभियान किस प्रकार से आगे चले और भविष्य में भी इस तरीके की चीजें? हम लोगों ने एक जो इनोवेशन इधर हाल में ही किया है वो ये है कि हर जिले स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बनाई है, अपने ही रिसोर्सेस से बनाई है, लेकिन जो हमारे आदमी थोड़े बहुत भी ट्रेंड है सोशल मीडिया हैंडलिंग में उनको लगाया है, वो वॉच करते हैं कि क्या चीज चल रही है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो ये तो एक सिस्टम हो गया जिससे हमको पहले थोड़ा पता लग जाता है। दूसरी चीज, हमारे जो एक यहाँ पे पहल की गई थी जिसमें मोहल्लों से कुछ मित्र, पुलिस मित्र बनाए गए थे, पब्लिक के लोगों को हमने अपने साथ लिया था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं हमारे, उनको साथ लिया था, सिटीजन ग्रुप्स हैं,
जिनसे हम बीट सिस्टम के माध्यम से संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सबको नंबर एक्सचेंज करके हम लोगों ने अनुरोध करा है कि आपको कोई चीज अगर ऐसी दिखाई दे, कोई चीज आपत्तिजनक दिखाई देती है सोशल मीडिया पे, तो आप हमको सूचित करें। इनफैक्ट बहुत सारे डायल 112 पे भी इस तरह के इनपुट्स आते रहते हैं। जब हमारे पास इस तरह के इनपुट आते हैं तो चूंकि हर जिले पे मॉनिटरिंग है, यहाँ पर क्वार्टर्स पे भी मॉनिटरिंग होती रहती है, तो उससे एडवांटेज जो होता है वो ये है कि हम रिएक्ट करते हैं तुरंत। पहले रिएक्शन होता था काफी विलंब से, काफी डैमेज हो चुका होता था तब रिएक्शन होता था। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि वो एक गलत ट्वीट होती है या एक आपत्तिजनक वीडियो आता है और तुरंत हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, अपराधियों को ढूंढ रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है बराबर। और ये प्रक्रिया दिन पर दिन स्ट्रांग होती चली जा रही है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे लोग इस ओर ट्रेन होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा रिएक्शन टाइम जो है कम होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इतना हम मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे कि जो आपत्तिजनक चीज है, जो शैतानी भरा काम है, जो वैमनस्यता फैलाने वाला काम कर रहे हैं लोग, उनको हम न केवल चिन्हित करेंगे वैसे जैसे कि नॉर्मल अपराधियों को हम चिन्हित कर लेते हैं, वरन अगर नए आदमी भी ये काम करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटीज ऐसी हो जाएंगी कि हम उनको ट्रैक करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, हाल के दिनों में पुलिस विभाग में एक ऐसी घटना हुई है जिसे न केवल क्रांतिकारी कहा जाता है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी अहम साबित होगी। कमिश्नर सिस्टम शुरू किया गया दो जगहों पर, नोएडा में और लखनऊ में, लगभग एक महीने से, तकरीबन दो महीने का वक्त हो चुका है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद क्या आपके पास इतना पर्याप्त पुलिस बल है उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अमल में लाने के लिए? और दूसरा, इसके साथ ही मेरा एक ये सवाल रहेगा कि अभी दो महीने के दौरान जो व्यवस्था चल रही है उसको आप कहां तक प्रभावी मानते हैं और भविष्य में इसकी क्या योजना है कि और जिलों में भी लागू की जाए? देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है अभी दो जगहों पर, ये बहुत विलंबित एक्शन रहा है अगर आप पुलिसिंग के मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको यूं मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के बाद, कितने राज्यों में ये होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रारंभ हो पाया है। उन्होंने इसमें हमको रिसोर्सेज देने में बहुत एक्टिवली हम लोगों को सपोर्ट किया है। शासन ने वो चीजें हमको मुहैया बहुत शॉर्ट नोटिस में कराई हैं जो चीजें पुलिस विभाग में बहुत समय लगने पर मिलती थी, जैसे बिल्डिंग्स हैं या रिसोर्सेज हैं या इक्विपमेंट है जो कमिश्नरेट के लिए हमें जरूरत में होता है, मॉडर्न पुलिसिंग के लिए होता है। तो ये जो शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार था, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ। जबकि आप अगर गौर करें तो बहुत पहले से भारत के कई राज्यों में कमिश्नरेट रही है और बढ़ी है। कहां एक दो कमिश्नरेट से हम लोग शुरू हुए थे, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली से, और कहां आज 50 से ऊपर कमिश्नरेट्स हैं पूरे भारत में। हम लोग उस स्टेज पर कमिश्नरेट सिस्टम को अख्तियार कर पाए हैं। कमिश्नरेट का सिस्टम जो है वो मॉडर्न पुलिसिंग, मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। लंदन में भी पुलिस कमिश्नर है, हर बड़े शहर में हमारे यहाँ भी पुलिस कमिश्नर है। तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, सिंगल पॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है कमिश्नरेट में। दूसरी चीज, कमिश्नरेट में रिसोर्सेज पुलिस के बहुत बढ़ जाते हैं, और वो कैसे बढ़ जाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लखनऊ का ही दृष्टांत लें तो एक यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और 5 या 6 एडिशनल एसपी रैंक के उनके पास, एसपी रूरल, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, इस प्रकार के एसपी होते थे। यानी अगर आप यूं देखें तो एसपी स्तर के 6 अधिकारी इतना बड़ा शहर चलाते थे पुलिसिंग के दृष्टिकोण से। अब अगर आप कमिश्नरेट जब से लागू हुई तब से आप देखें, 2 ज्वाइंट कमिश्नर हैं जो आईजी रैंक के हैं, 1 कमिश्नर हैं जो एडीजी रैंक के हैं, फिर उसके बाद हमारे डीसीपीज हैं, फिर उसके बाद एसीपीज हैं, 20-22 ACPs हैं। यानी वही थाने, या इनफैक्ट लखनऊ जिले से तो 6 थाने कम भी हो गए। और अधिकारी कितने हैं, अधिकारी रैंक देखें आप, एक्सपीरियंस देखें, तो अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस देखें तो जहां पहले 10 या 12 साल या 15 साल की सीनियोरिटी का एक एसपी होता था यहां पर एस चीफ ऑफ पुलिस, वहां आज 30 साल की सर्विस का चीफ ऑफ पुलिस है आपके पास, 25-30 साल की सीनियोरिटी का। और ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो आईजी लेवल के हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस बहुत आ गया, इम्पोर्ट हो गया इसके अंदर, और दूसरा संख्या आप देखें, हर लगभग 2 थाने पर एक एसीपी लेवल का ऑफिसर आ गया। पुराने जमाने में एक इंस्पेक्टर होता था 3 थानों पर, जिसको सर्किल इंस्पेक्टर बोला जाता, आज एक एसीपी बैठा हुआ है 2 थानों पर। तो जो आम आदमी जा रहा है थाने में, जो ग्रीवांस है, जो थाने का सुपरविजन है, वो इतना इम्प्रूव हो गया है कि अब आदमी को ये है ही नहीं कि कोई बैठा रहेगा उसको कोई अटेंड नहीं करेगा। इंस्पेक्टर है तो
नहीं है तो ACP हैं, एक से ज्यादा भी इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो सुना ना जाए, कार्रवाई ना हो, इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। मैं इसको और भी अच्छा एक्सपेरिमेंट इसलिए मान रहा हूँ, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इसलिए मान रहा हूँ कि आप देखें इस वक्त आप सड़क पे अगर कोई भी निकले, आप किसी से भी पूछें, लखनऊ में और नोएडा में चौराहों चौराहों पर आपको हमारी पेट्रोल कार्स दिखाई देंगी, हमारे आदमी दिखाई देंगे, उनकी हम बराबर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो केवल खड़े ना रहें, आम आदमी को के प्रति, उसकी समस्याओं के प्रति, उसको हेल्प करने के प्रति सचेष्ट रहें, बराबर रात में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, गाड़ियां उनको दी जा रही हैं। तो ये चीज नॉर्मल पुलिसिंग जो हम लोग कर रहे थे उससे बिल्कुल फर्क है, मुख्तलफ है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमसे लोग दिन भर मिलते हैं और हमको बताते हैं कि नहीं साहब, अब पुलिस ज्यादा दिखाई देने लग गई, पुलिस की प्रेजेंस अच्छी हो गई, और बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी कि आप देखेंगे कि इसका मार्ग इम्प्रूवमेंट अपराधियों के ऊपर भी कंट्रोल में होगा, कि जब भागना उनका बंद हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, वारदात करेंगे भी तो पकड़े जाएंगे, अव्वल तो करेंगे ही नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है हमारा सिस्टम, कमिश्नरेट बहुत सक्सेसफुल होगा ये एक्सपेरिमेंट, जो शासन ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है, हम ये प्रूव कर सकेंगे शासन के भी सामने, पब्लिक के भी सामने, कि नहीं, कमिश्नरेट ओवरड्यू था और जो हुआ अच्छा हुआ, और ये एक तरह का नमूना होगा और जगहों पे जहाँ पे आवश्यकता है, बड़े बड़े शहर उत्तर प्रदेश में और भी हैं। वही मैं चाह रहा था कि हाँ। और भी जगहों पर क्या इस प्रकार का प्रयोग करने की, बिल्कुल प्रयोग क्या, ये तो हम इसको केस स्टडी मान करके चलते हैं कि देखिए, जब तक आप अच्छा काम करके दिखाएंगे नहीं, तब तक आप पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं विन कर सकते। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस आपको तब आएगी जब लोग कहें कि हाँ नहीं, लखनऊ में कमिश्नरेट बनने के बाद फर्क आ गया, तो फिर हर जगह से डिमांड होगी कि साहब हमारे यहाँ भी क्यों नहीं होना चाहिए, और वो स्टेज होगी जब हमको उन जगहों के बारे में सोचना होगा और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। सर, आधी आबादी की बात होती है, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा विषय है, बार बार मुख्यमंत्री जी भी उसकी चर्चा करते हैं, इस मुद्दे पर आपकी किस प्रकार की योजना है, और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें पुलिस के पास जाने में भी, और उनसे जुड़े अपराधों की त्वरित गति से सुनवाई हो, उनकी FIR न लिखे जाने जैसे वाकई सामने न आए, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास रहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और कुछ बहुत अच्छी पहल की गई उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक पहल ये थी कि जब महिलाएं आज काम करने के लिए निकलती हैं, तो ऐसे भी जॉब्स कर रही हैं जिनमें उनको आते जाते देर होती है, तो उस टाइम पे असुरक्षित ना हो, इसलिए जो हमारी 112 सर्विस थी उसका एक पार्ट डेडिकेट किया गया कि अगर कोई महिला अकेली फंस जाती है किसी जगह, उनको अपने घर पहुंचना है, दिक्कत आ रही है, सिक्योरिटी का जरा भी उनको अंदेशा है, तो ये सर्विस जो है उनको हेल्प करेगी, उन लोगों को जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने क्लस्टर पॉइंट्स बनाए शहरों में, विशेष रूप से क्लस्टर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पुलिस का एक कंपोनेंट खड़ा रहता है। उसका पर्पज ये है कि लोग देखें कि हाँ भाई यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उससे एक तो सिक्योरिटी का सेंस आता है लोगों में कि हाँ भाई तमाम सारे पुलिस वाले अवेलेबल हैं, और दूसरा ये कि उनको ट्रेनिंग देकर के ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग उन तक आएं, उनसे बात करें, उनसे सहायता लें, और हमारे आदमी भी उनसे आउटरीच, जिसे कहते हैं पब्लिक आउटरीच बनाएं, तो जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा देने का प्रयास कई लेवल्स पे हम कर रहे हैं। एक लेवल हमारा है जो मैंने आपको अभी बताया, 112 के माध्यम से उनको जो ऑड टाइम्स पे परेशान हो रहे हैं या उनको जरा भी असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। दूसरा कि हम फोर्स का मोबिलाइजेशन पब्लिक प्लेसेस में, स्कूलों में, महिलाओं के स्कूल जो हैं, यूनिट्स हैं जहां वो काम करती हैं, इस प्रकार प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब आए, जब जाएं, जब सड़क पे वो हों, तो वहां पर पुलिस का कंपोनेंट को दिखाई दे, और उससे ये जो आपका एंटी रोमियो स्क्वाड्स बने हुए हैं हमारे यहां, इनका पर्पज क्या है? इनका पर्पज भी यही है, जितना ज्यादा सोशल सोसाइटी की पुलिसिंग करने का कोई एम नहीं है, पर एम ये है कि जो हैरेसमेंट लोग कॉज करते हैं महिलाओं को, वो कतई ना कर पाए, उनको ये भय रहे कि महिलाओं के प्रति अगर उन्होंने जरा सा भी हैरेसमेंट का रुख रखा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। तो ये पिछले 1.5 साल से बहुत एक्टिव हैं ये स्क्वाड्स हमारे। तो ये तीसरी चीज है जो महिलाओं से रिलेटेड है। इसके अलावा चौथी चीज जो हम लोगों ने की है और जो हम आगे भी करने जा रहे हैं, थाने में महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर्स को मैंडेटोरली हर थाने में नियुक्त किया जाना, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये अंदेशा कहीं रहता है कि अरे थाने में तो सब पुलिस वाले आदमी होंगे, तो वहां हम नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं, संकोच रहता है। तो वहां पे जब उनको लगेगा कि नहीं, यहाँ महिला भी हैं, महिला कांस्टेबल्स भी हैं, उनसे अच्छा बर्ताव महिलाएं करेंगी, तो खुल करके अपनी समस्या भी बताएंगी, और हर समस्या अपराध से ही जुड़ी नहीं है, हो सकता है स्टॉकिंग की समस्या हो या इस तरह की कोई समस्या हो जिसको शेयर कर सके अपनी, और उसके बाद फिर हम जा करके उन लोगों को कन्फ्रंट करके आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो उनको तंग कर रहे हैं। तो ये तीसरी पहल है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम थानों में रखें, ताकि महिलाओं के अंदर वो संकोच या हेजिटेशन ना रहे कि थाने में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे सारे मेल पुलिसमैन होते हैं।
तो ये भी है। सो मच सो कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में भी आजकल जब हम लगा रहे हैं फोर्स, तो उसमें महिला प्लाटून्स और महिलाओं के सेक्शन भी लगा रहे हैं, ताकि वो महिलाओं को डील महिलाओं से ही करना पड़े, ये ना हो कि कोई जिसे कहते हैं मिसबिहेवियर की कोई कंप्लेंट इस तरह की आए। ये चार पांच इनिशिएटिव्स हैं जिनके रहते मैं समझता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ेगी और वो खुद महसूस करेंगी कि नहीं, पुलिस प्रोएक्टिवली उनकी हेल्प कर रही है। सर, जनता के बीच जिन दो वजहों से पुलिस की छवि धूमिल होती है, उसमें एक बड़ा रीजन भ्रष्टाचार है और दूसरा अनुशासनहीनता। तमाम बार इस तरीके के वीडियोज आते हैं जहां पुलिस वाले ऐसे चीजों में इन्वॉल्व दिखते हैं जो कि उनके कार्य प्रणाली के विपरीत है, और दूसरा भ्रष्टाचार है, उससे जुड़े कई मामले हाल में सामने भी आए हैं, आप इससे पहले जांच में भी शामिल रहे हैं उसमें। इन दो प्रमुख मुद्दों पर आप किस प्रकार से इसको बेहतर करेंगे? भ्रष्टाचार के बारे में नीति शासन की बड़ी स्पष्ट है, आपने कई बार सुना होगा जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो जो भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कार्रवाई हुई है, जिनमें सस्पेंशंस हुए हैं, जिनमें डिसमिसल्स हुए हैं, ये ऑल टाइम हाई है। इस वक्त राज्य सरकार ने प्रोएक्टिवली भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है। इसमें सारी हमारी एजेंसीज, विजिलेंस जिसका कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, एंटी करप्शन एजेंसीज जो हैं, ये सब ओवर टाइम काम कर रही हैं। जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार के दृष्टांत हैं, जो कटिंग एज लेवल का करप्शन है, उनके जो जो दृष्टांत सामने आ रहे हैं उनमें कार्रवाई करने में। जहां तक दूसरा बिंदु आपने उठाया कि पुलिस में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार, तो देखिए मैं स्टैटिस्टिक्स तो अभी नहीं लेके बैठा हूं आपके पास, लेकिन अभी तक मेरे ही सामने कम से कम 20-25 मामले आ चुके ऐसे जिनमें हमने जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको या तो निलंबित किया है, जांचें उनके खिलाफ की हैं, कुछ मामलों में मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। और मैसेज डाउन द लाइन बड़ी क्लियर है कि आपको केवल सेवा भाव से काम करना है, और पब्लिक सर्वेंट्स को सेवा भाव से काम करना भी है, क्योंकि आप वेतन पा रहे हैं, वेतन टैक्स पेयर के किटी से आ रहा है आपके पास, तो आपको उसके बदले में टैक्स पेयर को एक सर्विस देनी है पूरे मनोयोग से। तो उस टैक्स पेयर को या आम जन को आपको टैक्स करने का कोई राइट नहीं बनता अदर देन व्हाट इज कमिंग टू यू एज योर सैलरी। तो इसमें जहां भी सारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार की, देखिए भ्रष्टाचार की शिकायत सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भ्रष्टाचार का आरोप गलत भी होता है, काम नहीं हुआ किसी का तो उसने यही कह दिया कि सब भ्रष्टाचारी कर रहे थे। तो जांच करने की एक प्रक्रिया है, जांच जरूर होगी, लेकिन जांच करने के बाद यदि आपका दोष पाया गया तो फिर आपके साथ कोई रियायत नहीं है। और ये आपने देखा होगा कि जो भी जांचें हम लोगों ने की हैं इधर, उनमें जो साक्ष्य पा लिया गया है उसमें फिर किसी को बख्शा नहीं गया है। और मैं समझता हूं कि अगर आप नीतिगत बात करें तो नीति में स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वेल थॉट आउट पॉलिसी है, जनहित की पॉलिसी है, और ये बराबर हम इसको जितना हमारे पास विगर और स्ट्रेंथ है उससे इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, होली का त्यौहार आ रहा है, पुलिस किस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव भी बरकरार रखे और साथ के साथ कानून व्यवस्था भी बरकरार रखे, उसके लिए किस प्रकार की तैयारी की गई? होली के त्यौहार में बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे प्रदेश में की गई है। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सारे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिनमें सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, मंडलायुक्त, पुलिस के SP से लेकर के ADG तक के सारे ऑफिसर्स, मुख्यालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। एक एक जगह जहां जहां पहले दृष्टांत ऐसे हुए हैं, जहां कोई विवाद हुआ है, उनमें क्या कार्रवाई करनी है, पर्व के पहले पर्व के बाद क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, अधिकारियों को कैसे, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों को साथ साथ रहना है, बराबर दौरे करने हैं, शांति समिति की कैसे बैठकें कर डालनी हैं, जो रूट्स हैं इसके, जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उनको कैसे रिव्यू किया जाना है, सो मच सो कि अगर कहीं रोड में कोई समस्या है तो उसको, रोड को ठीक करा लिया जाए, रोड के ऑब्स्ट्रक्शंस ठीक करा लिए जाए ताकि एंड मौके पर कहीं कोई समस्या ना पैदा हो। होलिका जहां जहां रखी जाएगी वहां वहां पर कोई शरारती तत्व कोई मिसचिफ ना कर दे, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे, एंटी सेबोटाज स्कीम क्या होगी और पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, और जहां जहां पहले समस्या रही है वहां पर जो समस्या जिन लोगों के पक्षों के बीच में थी उनसे बात कर लेनी है कि वो समस्या वास्तव में समाप्त हो गई, नहीं तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। और इस सब के अलावा अभी से जो शरारती अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी जा चुकी है। तमाम सारी शराब अवैध और वैध रिकवर हो रही है जो स्मगल करके आई है हमारे प्रदेश में। इनफैक्ट रोज मुझे सूचना मिल रही है कि बहुत बड़ी तादाद में इस पर्व में मिसयूज होने के लिए तमाम सारी शराब की स्मगलिंग हो रही है जो पकड़ी जा रही है, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। इनफैक्ट एक जनपद में नाम लेना अभी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से जनपदों में कार्रवाई चल रही है। तमाम सारे अवैध असलाह हम लोगों ने बरामद किए हैं और ये सतत हमारा तब तक चलता रहेगा प्रयास
जब तक सक्सेसफुली हम होली पूरी कर लेंगे उसकी व्यवस्थाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वैसे भी हमारा एक टारगेट है कि जितने ये शस्त्र अस्त्र इस तरह के पड़े हुए हैं जिनका लोग मिसयूज कर रहे हैं, या जो ड्रग्स हैं या लिकर है जिसका पी करके लोग अपना बाद में पर्सनल स्कोर सेटल करते हैं, त्योहार के मौके पर उसको बदनाम करते हैं, वो सारी चीजें ना तो बाजार में उपलब्ध हो, ना उन शरारती तत्वों को हम फ्री रहने दें कि वो ये सब हरकतें कर पा सके। सर, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी का पिछले 3 सालों में संदेश स्पष्ट था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें। बहुत सारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं, पुलिस बड़ी सख्ती के साथ अपराधियों के साथ पेश आ रही थी। आप इस अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा था पुलिस का, इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरीके से इस पर पुलिस एक्शन लेगी? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का प्राथमिक दायित्व, अपराध का नियंत्रण, कानून व्यवस्था का बनाए रखना, ये पुलिस की 2 प्राइमरी ड्यूटीज हैं विधानता। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इसी का पार्ट है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे कोई और तरह का अपराध हो, उसको रोकना, महिलाओं के अपराधों को रोकना, ये सब अपराध नियंत्रण के मेन अम्ब्रेला के पार्ट हैं, उसके नीचे हैं ये सब। तो जहां तक आपने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही, पुलिस का प्राथमिक दायित्व है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। वो अपराधी जो अपराध करके भागे हुए हैं, वो अपराधी जो शातिर नेचर के हैं और कोई अपराध करके उन्होंने लोगों को खतरे में डाला है, लोगों की लाइफ को खतरे में डाला है, बेल जंप कर दी है, या जेल से छूट करके आ गए हैं और फिर अपनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए, इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। जहां तक एनकाउंटर की आपने बात बीच में करी, तो एनकाउंटर जो है वो केवल अपराधी के विरुद्ध जो हमको पकड़ने के लिए हम जाते हैं या कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके गांव में जाते हैं या कहीं जाते हैं और वो हमारे ऊपर हमला करता है, उस दशा में हमको कानूनन अख्तियार है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको पकड़ें। ये कानूनन हमको करना है। और ये अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसका तो अपने आदमी को हमला सह करके चलाएगा तो अराजकता पैदा हो जाएगी। तो अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए जो पुलिस की कार्रवाई है वो तो की जाएगी, अगर वो हमला करेगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए अपराधी को पकड़ने की जो आप कह रहे हैं कि क्या नीति है, नीति ये है कि अपराधी को तो पुलिस को पकड़ना है ही, और उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। हमको अपराधी को बाहर रहने का अख्तियार है ही नहीं, अपराध किया है तो आपकी जगह जेल में ही है, जेल के अलावा कोई आपकी जगह नहीं है। तो ये इसी नीति को हम फॉलो करेंगे। सर, आकाशवाणी समाचार के साथ आपने विस्तार से पूरी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ हमसे आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।